नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। आजकल बच्चियों, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की जो खबरें सामने आ रही है उसने सबके दिलों में डर पैदा कर दिया है। यहां तक कि अब तो बच्चियों के साथ स्कूल कोचिंग सेंटरों तक में भी छेड़छाड़ हो रही है। अब तो बच्चियों के घर वाले उन्हें स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। दरअसल मुंबई के एक कोचिंग सेंटर में एक नाबालिग लड़की के साथ पिछले 2 साल से कोचिंग सेंटर चलाने वाले ही यौन उत्पीड़न कर रहे थे। दरअसल साउथ मुंबई में कोचिंग सेंटर चलाने वाले 3 भाइयों पर वहां पढ़ने वाली एक 16 साल की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। छात्रा ने साल 2022 में ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। इस छात्रा के माता पिता का तलाक हो चुका है और ये छात्रा अपनी माँ के पास रहती है। इसी का फायदा कोचिंग सेंटर चलाने वाले 3 भाइयों ने उठाया। इनमें से एक आरोपी ने छात्रा के माता पिता के तलाक के बारे में जानकर नाबालिग को मैसेज करना शुरू किया, सहानुभूति दिखाकर उसका विश्वास हासिल किया और उसे 2 फिल्में दिखाने के लिए बाहर भी ले गया। शिकायत में कहा गया है कि थिएटर में आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ था। वहीं छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दिसंबर 2022 से अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा। वो स्कूल में किसी से बात नहीं करती थी, फिर उन्होंने जनवरी 2023 में बाल विकास केंद्र से संपर्क कर उसे वहां भर्ती कराया। नाबालिग छात्रा लगभग 4 महीने तक बाल विकास केंद्र में रही, लेकिन मई 2023 में उसने वहां जाना बंद कर दिया। इस साल फरवरी में छात्रा फिर से बाल विकास केंद्र में गई। मार्च में नाबालिग ने अपने काउंसलर को कोचिंग सेंटर की घटनाओं के बारे में बताया। काउंसलर ने मामले की जानकारी पीड़िता की मां को दी। खबर है कि पीड़िता और उसकी मां दोनों ही मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज नहीं करना चाहती थी। इसके बाद बाल विकास केंद्र के अधिकारियों ने 27 सितंबर को देर रात पुलिस से संपर्क किया और घटना के बारे में सूचना दी। वहीं नाबालिग छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे सेंटर पर जल्दी पहुंचने और देर से निकलने के लिए फोर्स करते थे और सेंटर में उसका यौन शोषण करते थे। वहीं इन 3 आरोपियों की उम्र 24, 25 और 27 साल है। वो साउथ मुंबई में रहते हैं और 7वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चलाते हैं। वहीं इनमें से 24 साल का आरोपी साल 2022 से ही छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहा था और आरोप ये भी है कि बड़े भाई ने जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच कोचिंग सेंटर और पास के अपने घर में छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था। लेकिन पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 3रे आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।